तुझको छे काना मन बचिया। ओ प्यारो ब्रज को छे काना मन बसिया। करे काली जय हो, करे काली दी, करे काली दी बोल चिरो। Honey, honey, honey.
कर्माद्यस्य यतोऽनुभयादितरतस् चार्थे स्वभेज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निरमत्तराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरो गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भूमि परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में गंगा यमुना की मध्य भूमि में विराजमान समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत का महात्म सुना। यह पावन ग्रंथ भगवत चरणारविंद में पराभक्ति प्रदान करने वाला है, साथ ही साथ जगत से विरक्ति और भगवत तत्व का बोध कराने वाला है, अर्थात भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों का त्रिवेणी संगम है। आप सब तीर्थराज प्रयाग की संगम भूमि के वासी हैं, तो श्रीमद् भागवत में भी ये अद्भुत अनुपम संगम है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम श्रीमद् भागवत है। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कहां हुई? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। मां सरस्वती के पावन तट पर बद्री विशाल में, बद्रीनाथ से थोड़ा सा ऊपर माना गांव में व्यास गुफा है, व्यास जी का आश्रम, जिसको पहले सम्यप्रास कहा जाता था, उसी के निकट सरस्वती प्रवाहित हो रही है। तो व्यास जी महाराज ने सरस्वती के तट पर श्रीमद् भागवत की रचना करी और उस रचना में वर्णन किसका किया?
यमुना तटवासी कृष्ण कन्हैया की लीला का, यमुना पुलन पर माधव ने जो मधुर मधुर मधुराधिपति लीला की हैं, उस माधव ने उन लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया। पर इस भागवत का गायन कहां हुआ? परीक्षित के सन्मुख उपस्थित होकर के व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज ने भागीरथी गंगा के तट पर इसका वर्णन करना प्रारंभ किया। तो श्रीमद् भागवत की रचना सरस्वती के तट पर हुई, उसके मध्य यमुना के तट की ब्रज लीलाओं का वर्णन किया गया और फिर भागीरथी गंगा के तट पर इसका वर्णन किया गया। इसलिए गंगा, यमुना और सरस्वती त्रिवेणी का संबंध श्रीमद् भागवत के साथ है। बोल तीर्थराज प्रयाग की जय। तो आप सब गंगा यमुना के मध्य इस ज्ञान गंगा सरस्वती के प्रवाह में गोता लगा रहे हैं। अभी आपने तीन श्लोक सुने। प्रथम श्लोक में गोविंद का ध्यान किया गया है, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है और तीसरे श्लोक में भागवत के स्वरूप का परिचय दिया है। किम ध्येयम्, हम किसको ध्यावें? किम गेयम्, हम किसको गावें? किम पेयम्, हम क्या पीवें? इन तीन श्लोकों में ध्येय, गेय और पेय तीनों का वर्णन है। तो किसका ध्यान करें? बोले सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है? बोले जनमाद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा इस जगत का जन्म हुआ, उसी ने इस जगत का पालन भी किया और अंत में सारे विश्व प्रपंच को जो अपने में ही समाविष्ट कर लेता है। इसी बात को श्रुति भगवती कहती है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रभविष्यन्ति। उसी बात को ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र में ही कह दिया, जन्माद्यस्य यतः। ये ब्रह्म सूत्र का द्वितीय सूत्र है। तो क्या आप सांख्यों की प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं महाराज? व्यास जी कहते नहीं, प्रकृति तो जड़ है, हम तो अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है और स्व प्रकाशित है, ऐसे वो सर्वेश्वर का ध्यान करते हैं। तो किसी ने कहा तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि श्रुति भगवती कह रही है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वी ध्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो इस श्रुति में वर्णित उस हिरण्यगर्भ का आप ध्यान कर रहे हैं क्या? व्यास जी कहते नहीं नहीं, हम ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे, हम उस परमेश्वर का ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै, जबकि वेदों के तात्पर्य को जानने में मोहियंति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसः मोहियंति मोहं प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान जिन वेदों के तात्पर्य को जानने में व्यामोह को प्राप्त हो जाते हैं, उन वेदों को भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को बोध करा दिया। तेजो बारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से यह असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। दृष्टांत दिया किस प्रकार से? बोले तेजो बारी मृदाम यथा, जैसे मरुस्थल में
प्रचंड मारतंड की तीक्ष्ण किरणों के प्रभाव से वारी का दर्शन होने लगता है। सरल भाषा में कहें, सड़क पर जाते समय कभी कभी आपको सड़क पर पानी भरा नजर आता है, भर दोपहरी में, जबकि पानी की बूंद भी नहीं होती। ये केवल सूर्य की किरणों का प्रभाव है, जिसको कहते हैं मृग मरीचिका, मृग तृष्णा। पानी जैसा दिखता है, पानी की बूंद भी नहीं होती। कितना भी भागो वो पानी पकड़ में नहीं आएगा, दिखाई तो पड़ेगा। उसी प्रकार ये जगत दिखाई पड़ता है, सच्चा लगता है, परंतु सच्चा है नहीं। बोले बाबा ने अपना अनुभव भवानी को बताया, भवानी भजन के प्रताप से अब तक मैंने जो अनुभव किया है वो तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। कहो बोले बाबा। बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं, क्या अनुभव है बोले बाबा, उमा सारा जगत सपना है, देखने में अपना लगता है। जिस दिन आंख खुल जाएगी उस दिन सपना समझ में आएगा। जब तक आंख नहीं खुलती तब तक सपना ही सत्य लगता है, और जगने के बाद जागे लाभ न हानि कछु। जगने के बाद कोई लाभ हानि नहीं। सपने होए भिखारी नृप, रंक नाथ पति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जो। ऐसी ये जगत स्वप्नवत है। स्वप्ने नरथागमो यथा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। जब स्वरूप का बोध होता है, ज्ञान वैराग्य की आंख खुल जाती है, तो माया के द्वारा ये जो जगत का दृश्य दिखाया जा रहा है वो सब समाप्त हो जाता है। जैसे आंख खुलते ही सपना समाप्त हो जाता है, ऐसी विवेक के जागते ही, स्वरूप का बोध होते ही ये जगत समाप्त हो जाता है। ऐसे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। जो निर्मत्सर मात्सर्य रहित पवित्र हृदय के हैं, वही इसकी कथा के सुनने के उत्तम अधिकारी पात्र हैं। इसमें वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। इसके श्रवण करने से वास्तव तत्व का बोध हो जाएगा। जीव जगत और माया को ही वास्तव कहा गया है, और केवल इतना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन के तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। और साथ ही साथ इस कथा के श्रवण करने की इच्छा करने मात्र से सद्यो हृदय अवरुद्धते, वह परमात्मा शीघ्र ही हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। सुनने के बाद नहीं, सुश्रूष भी तत्क्षणा, श्रोतुम इच्छत भी, सुनने की इच्छा करने मात्र से वह परमात्मा हृदयावरुद्ध हो जाते हैं। ऐसा यह परम पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम नाम वेदों का है,
नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेदः। वेद रूपी कल्प वृक्ष में श्रीमद भागवत रूपी रसीला फल लगा है। रसीला फल एकदम टपक के नीचे गिरे तो फूट जाता है, पर भागवत फूटा हुआ फल नहीं है, ये साबुत है। फूटा क्यों नहीं? क्योंकि डायरेक्ट नहीं गिरा, इनडायरेक्ट गिरा है। नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को, तो ऐसे डाली प्रति डाली के द्वारा धीरे धीरे धरती पर आया, इसलिए फूट नहीं पाया। ज्यों का त्यों रस भरा फल, रसीला फल हमारे हाथ लग गया। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया, सनई सनई अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपाते न स्फुटितम। तो रस भरा फल है, मधुराति मधुर फल है, अमृत द्रव संयुतम अमृत के समान मीठा है। पिबत भागवतम रसमालयम। अहो रसिका, अहो भावुका, हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, आओ और इस रसमय दिव्याति दिव्य अलौकिक फल का रसपान करो। भागवत सुनो नहीं, पियो। सुनी हुई चीज तो भूल जाओगे, परंतु पिया हुआ पदार्थ तो बिना प्रभाव दिखाए बाहर निकलने वाला नहीं है। इसलिए तनिक भी रस बिखरने न पाए, कान के दोनों में भर भर के चकाचक इस रस का पान करो। बोलो भागवत भगवान की। तो नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषियों को ये अमृत पान करा रहे हैं। सबसे पहले सौनक जी ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, पुंसा में कांत श्रेय तन्नः संसितुमर्हति। कृपा करके महाराज ये बताइए कि घोर कलयुग आ गया है। कलयुग में लोगों की बुद्धि भी कमजोर है और भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रता। व्यक्ति की बुद्धि मंद हो और भाग्य